भारत एक बेहद धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं से जुड़ा देश है। यहाँ एक तरफ धर्म और देवी देवताओं में आस्था है तो दूसरी तरफ बुरी शक्तियों पर भी लोग यकीन करते हैं। भारत में कई ऐसी जगह हैं जहाँ माना जाता है कि यहाँ बुरी शक्तियों और आत्माओं का कब्जा है। ऐसे ही कुछ भूतिया स्थलों में सबसे ज्यादा मशहूर है राजस्थान में मौजूद एक किला, एक ऐसा किला जहाँ रात होते ही जाग जाती है आत्माएं। जब भी भारत के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस की बात होती है तो सबसे पहले एक ही नाम का जिक्र होता है और वो है भानगढ़। भानगढ़ का किला भारत के सबसे हॉन्टेड प्लेस में से एक है और यहाँ आने से पहले लोग डरते हैं और कई लोग तो इस डर की वजह से आते भी नहीं है। दिन के उजाले में भी कोई इंसान किले के अंदर अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता है और ये तो सिर्फ दिन की बात है। रात में तो भारतीय पुरातत्व विभाग वाले भी यहाँ जाने के लिए मना करते हैं। कहा जाता है कि रात में जो कोई भी किले में प्रवेश करता है वो कभी वापस लौट के नहीं आता। इसी वजह से सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किसी को भी भानगढ़ किले में जाने की इजाजत नहीं है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भानगढ़ का किला भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के मोस्ट हॉन्टेड स्थानों की लिस्ट में नंबर एक पे है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले की अरावली पर्वतमाला में स्थित है भानगढ़ का किला। पहाड़ों से घिरा यह किला भूतों का गढ़ माना जाता है और यही वजह है कि धीरे धीरे यहाँ आसपास के गांवों की आबादी कम हो गई। ये किला पहली नजर में देखने से ही इतना अजीब और डरावना सा लगता है और जब लोग इसकी सच्चाई को जानते हैं तो डर के मारे उनकी रूह कांप जाती है। ऐसे बहुत कम लोग ही हैं जो इस किले के इतिहास के बारे में जानते हैं। यह किला 400 साल पुराना है। 17वीं शताब्दी में यह किला आमेर के राजा मान सिंह ने अपने पोते माधो सिंह के लिए बनवाया था। किसी जमाने में यह भी राजस्थान के दूसरे किलों की तरह काफी खूबसूरत हुआ करता था लेकिन बाद में एक श्राप की वजह से इसका ये हाल हो गया। चलिए आपको बताते हैं कि भानगढ़ को लेकर क्या कहानी है। वैसे तो भानगढ़ को लेकर कई तरह की कहानियाँ प्रचलित है लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रानी रत्नावती और एक तांत्रिक वाली कहानी की होती है। कहा जाता है कि यहाँ रत्नावती नाम की एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। रत्नावती अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थी और उनकी सुंदरता की बातें काफी प्रचलित थी। हर कोई उनसे शादी करना चाहता था। किले का एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा भी राजकुमारी रत्नावती के सुंदर रूप पर मोहित हो चुका था। तांत्रिक किसी भी तरह राजकुमारी रत्नावती को हासिल करना चाहता था। उसने रत्नावती को काले जादू से अपने वश में करने के बारे में सोचा। एक दिन राजकुमारी रत्नावती की दासियां उनके लिए इत्र खरीद रही थी। तभी उस तांत्रिक ने राजकुमारी के इत्र को अपने काले जादू के जरिए मंत्रित कर दिया। जब यह इत्र राजकुमारी के पास पहुंचा तो राजकुमारी उसके जादू को पहचान गई। रानी ने इस इत्र को लगाने के बजाय एक चट्टान पर फेंक दिया जिसके कारण तांत्रिक का यह काला जादू उसी पे जाके लग गया और बाद में धीरे धीरे करके तांत्रिक की मौत हो गई। मरते वक्त उस तांत्रिक ने यह श्राप दिया कि अब भानगढ़ का विनाश हो जाएगा, भानगढ़ वासियों की मौत हो जाएगी और उनकी आत्माएं सदा के लिए भानगढ़ में भटकती रहेंगी। उसके श्राप के बाद धीरे धीरे संपूर्ण भानगढ़ बर्बाद हो गया। भानगढ़ के वासियों की मृत्यु हो गई। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती भी चल बसी जिसके बाद भानगढ़ दोबारा कभी नहीं बस सका। किसी जमाने में एक खुशहाल रियासत रहने वाला भानगढ़ एक श्राप की वजह से आज एक जिंदा श्मशान घाट बन चुका है और उसी श्राप का असर आज तक जारी है। आज भी भानगढ़ में भूतों और आत्माओं का वास है। लोग कहते हैं कि रात होते ही किले से औरतों की चीखने, चूड़ियां तोड़ने और रोने की आवाजें आने लगती है। साथ ही किले से अजीब संगीत की आवाजें भी आती है और कभी कभी तो उन्हें चलती हुई परछाइयां भी दिखाई देती है। कुछ लोगों को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और पीछे से उनका गला दबा रहा है। कहा जाता है कि कुछ लोग शाम के समय यहाँ घूमने के लिए गए थे लेकिन कभी वापस लौट कर नहीं आए। लोगों का यह भी कहना है कि अगर आप किले की दीवारों के पास अपने कान लगाएंगे तो आपको भूत और आत्मा की आवाजें सुनाई देंगी। लोग बताते हैं कि जब भी यहाँ कोई रात में रुकता है तो वह मर जाता है या फिर एक दो दिन में उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है या फिर किसी एक्सीडेंट में मर जाते हैं।
इन्हीं कारणों की वजह से सूर्यास्त के बाद किले में एंट्री बिल्कुल बंद हो जाती है और लोग अंधेरा होने से पहले ही यहां से चले जाते हैं। आज भानगढ़ का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं और उनके दिमाग में डरावने मंजर घूमने लगते हैं। आज वहां रात के समय जाने के नाम से ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भानगढ़ किले में एक नृत्यों की हवेली भी है जो किसी समय तवायफों के घुंघरुओं की झंकारों से गूंजती थी। नृत्यों की यह हवेली आज पूरी तरह से वीरान पड़ी है। कहते हैं आज भी रात के समय में नृत्यों की हवेली से घुंघरुओं की आवाजें आती हैं। अब तक भानगढ़ किले की कहानी पर आधारित 3 फिल्में भी बन चुकी हैं, जिनमें भानगढ़ किले का रहस्य दिखाया गया है और इनमें से एक फिल्म भानगढ़ द लास्ट एपिसोड तो पूरी तरह से भानगढ़ किले की सच्ची कहानी और किले में पाए गए रियल फुटेज पर आधारित है, जिसके डायरेक्टर अनिल वाजपेयी हैं। आज भानगढ़ किले के भूतों के चर्चे पूरे देश दुनिया में मशहूर हैं और अब भानगढ़ की गिनती मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन एशिया में की जाती है। चाहे आप भूत प्रेत और अलौकिक शक्ति में विश्वास करें या ना करें, लेकिन फिर भी भानगढ़ के किले में रहस्य और साजिश का जो माहौल है वो दुनिया भर से भूत प्रेत में विश्वास करने वाले लोगों को आकर्षित करता रहता है और आगे भी करता रहेगा।